नाम तो जी लाजपत। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं थायराइड रोग को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा घरेलू उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर लेते हैं तो 100% आप थायराइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो से नीचे वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, यह है पालक का साग जिसका आपको आज बनाना है नुस्खा। थायराइड को जड़ से ख़त्म करने की एक दवा है ये, जिसे आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपका थायराइड 100% आप एक हफ्ते में वो रिजल्ट पाएंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले इसे धो लें। ये आपको पालक का साग लेकर आना है। इसकी हम अक्सर साग इसका बनाते हैं दोस्तों, भुज्जी, बहुत सारी चीज़ें इसकी बनाई जाती हैं, आपकी सब्ज़ी में अक्सर इसका इस्तेमाल होता रहता है। तो आप इस साग को आप कहीं मार्केट से ख़रीद लें, अगर आपके यहाँ गांव में है तो आपको ये कहीं भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो दोस्तों वैसे आपको ये मार्केट में मिलेगा दोस्तों। फिर इसको आपको पीस लेना है, यानी कूट लें किसी भी चीज़ से, या आप मिक्सर में इसे पीस लें। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस इसका बताता हूँ दोस्तों। इस तरह से आपको इसे कूट लेना है। तो दोस्तों इसे महीन महीन कूटने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद आपको ये इकट्ठा करना है, किसी कपड़े में कर लेना है दोस्तों। सबसे पहले हम इसे इकट्ठा करके किसी भी कपड़े में आप इसे कर लें, नीचे से कोई बर्तन लगा लें ताकि ये जो रस है इसका पूरी तरह उसी बर्तन में जाता रहे, जिसमें आपको फिर कोई दिक्कत ना हो इसे निचोड़ने में। दोस्तों आपको क्या करना है, फिर इसका रस निकालना है, और रस निकालने के बाद की अगली प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम रस निकाल के आपको दिखा देते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको कपड़े को निचोड़ कर और इसका रस निकाल लेना है किसी भी बर्तन में। दोस्तों जैसे कि आप समझ सकते हैं अभी वीडियो में पूरी तरह शो नहीं हुआ, किसी वजह से कैमरा डिसमिस हो गया था, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आपको लगभग इसका एक कप रस निकालना है, आपको इतना पालक लेना है कि इसमें एक कप आपका रस आराम से निकल आए। उसके बाद हम आपको दोस्तों बता देते हैं, अब ये रस निकल चुका है दोस्तों, ये पालक का रस आपका लगभग एक कप निकल चुका है। तो एक कप रस के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको पहले बढ़िया करके इसे निचोड़ लेना है, क्योंकि एक एक बूंद रस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा और एक एक बूंद आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। उसके बाद ज़ीरा चाहिए होगा आपको, ज़ीरे को आप पीस लें। तो दोस्तों कूट लेते हैं हम इसे, बारीक बारीक पीस लेते हैं किसी भी चीज़ में कर हम इसमें इसे कूट कर महीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपको इसे डालना होगा। तो चलिए हमने ये चूर्ण बना लिया है, उसके बाद हमें डालना होगा लगभग इतनी ही मात्रा में आप इसमें डाल दें एक कप में। उसके बाद दोस्तों आपको एक चम्मच शहद चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों प्योर शहद आपका होना चाहिए दोस्तों, ये है हमारा एक चम्मच शहद जो हमें इसमें मिलाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें एक चम्मच शहद मिला देते हैं दोस्तों। इसे बढ़िया करके आप घोल लें ताकि ये तीनों आइटम आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से आपको ये घोल लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको शाम सोते समय लगभग खाना खाने के 1.5 घंटा बाद दोस्तों इसका सेवन करना है, और सोने से 10 मिनट पहले आप इसका सेवन करके सोएं, या फिर आप अगर खाना खा लिया है आपने 1.5 घंटा पहले उसके बाद ही इसका सेवन करें, उससे पहले इसका सेवन ना करें दोस्तों। तो पहले दोस्तों एक बार इसका इस्तेमाल करने से आपको जो बेनिफिट होगा वो एक ही बार में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन दोस्तों एक हफ्ते में जो रिज़ल्ट मिलेगा उससे आप खुश हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों इससे आपका थायराइड बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस, नए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।